नमस्ते दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है और रिव्यू का दिन है। आज मैं मोहल्ला 80 का रिव्यू लेकर आया हूं और मज़ेदार बात यह है कि रिव्यू मैं खुद नहीं कर रहा हूं। अभी बनारस में मैंने डॉक्टर काशीनाथ सिंह, जो काशी का 80 के लेखक हैं, उनके और उनके किरदारों के साथ यह फिल्म देखी थी। मेरी जिज्ञासा हुई कि फिल्म देखने के बाद डॉक्टर काशीनाथ सिंह इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। आज का रिव्यू उन्हीं के शब्दों में। मैंने कल मोहल्ला 80 देख ली। फिल्में कम देखता हूं, बहुत दिनों बाद मैंने एक फिल्म देखी। मैं डरा हुआ था कि प्रायः साहित्य पर जो भी फिल्में बनी हैं उन्हें कहीं न कहीं डिस्टार्ट किया गया है, इसलिए कि हम जो लिखते हैं वो पाठक के लिए लिखते हैं और फिल्में दर्शक के लिए बनाई जाती हैं और दर्शक की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है। हमें लगा था कि मोहल्ला 80 के साथ भी ऐसा हो सकता है कि चंद्र प्रकाश जी ने फिल्म देखने वालों को ध्यान में रखते हुए कहीं डिस्टार्ट किया हो, लेकिन सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरी फिल्म में देख गया और कहीं कोई बदलाव मुझे नहीं दिखाई पड़ा। तो सीधे कहानी के टेक्स्ट पर आधारित ऐसी फिल्म मैंने पहली बार देखी। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हुआ होगा। एक तो ये बात मैं समझ गया, दूसरे कि कहानी उतनी जीवंत नहीं है जितनी जीवंत फिल्म दिखाई पड़ी। मैंने अपने शब्दों को मूर्त रूप में देखा और जो पात्र हैं वे बड़े ही जिंदा दिल, सजीव, फक्कड़, मस्त दिखाई पड़े जैसा हैं। अगर बदलाव किया है निर्देशक ने तो अंतिम हिस्से में किया है, वो पॉजिटिव है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैंने कहानी को प्रश्न के रूप में छोड़ा था, उन्होंने उत्तर दिया है और बाजारवाद से कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है धर्मनाथ पांडे को, जो आज की वास्तविकता भी है। आप अपने को दरकिनार रख के उससे नहीं जी सकते, ये स्थिति है। फिल्म की भाषा प्रायः अन्य फिल्म से अलग किस्म की दिखाई पड़ती है। आम बोलचाल की गालियां जरूर हैं, लेकिन गालियां इस नगर की जबान है, यानी गालियों में अर्थ अगर ढूंढा जाए तब अश्लील हो सकता है, लेकिन ये शब्द मात्र हैं और शब्दों के अपने कोई अर्थ नहीं, उनके ध्वनियां हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को जो लग सकता था, खासतौर से बनारस को जो नहीं जानते या बाहर के लोग हैं, कि ये गालियां हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि ये इस नगर की जबान है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बगैर गाली के बोल ही नहीं सकते। और जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये मोहल्ला 80 फिल्म वस्तुतः फिल्म और साहित्य के संगम का मॉडल है, एक मिसाल है कि अगर कोई फिल्म बनाना चाहे साहित्य कृति को लेके, किसी कहानी को लेके या उपन्यास को लेके, तो वह इसे नमूने के रूप में देख सकता है कि किस तरह साहित्य का सम्मान करते हुए, उसे ज्यों का त्यों रखते हुए फिल्म बनाई जा सकती है। ये बड़ी बात मुझे लगी, क्योंकि जितनी पुरानी फिल्में मैंने देखी हैं जो साहित्यिक कृतियों पर हैं, डिस्टॉर्शन मैंने देखा है अलग से, कहीं न कहीं वो टेक्स्ट छूट गया है उनसे या मूल छूट गया है और डायरेक्टर ने अपनी रुचियां उसमें डाल दी हैं या पाठकों की दिलचस्पी को ध्यान में रखा है। चंद्र प्रकाश जी ने जो मोहल्ला 80 बनाया है वह
फिल्म अंत तक बांधे रखती है बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, तोड़ मरोड़ के, ये बड़ी चीज है। इसके साथ मोहल्ला 80 के जितने कलाकार हैं, अभिनेता हैं, देखते ही मुझे लगा कि सारे कलाकारों ने अपना सर्वोत्तम डाला है उसमें, सर्वश्रेष्ठ। संवाद अदायगी हो या अपना व्यवहार हो, उठना बैठना हो, बहुत ही स्वाभाविक लगता है। और जो धारदार तरीका है उनके बोलने का, हाँ, वो बड़ा ही प्रभावशाली है। यानी छोटे छोटे रोल वाले जो हैं सो तो हैं। साक्षी तंवर ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। आशंका प्राय लोगों को थी सनी देओल के बारे में कि मारधाड़ की फिल्मों में काम करने वाला बड़ा कलाकार इस साधारण सा गरीब सा ब्राह्मण का रोल कैसे कर सकता है। लेकिन सनी देओल ने साबित कर दिया है कि वे किसी भी सांचे में अपने को ढाल सकते हैं, इतने सक्षम हैं, सधे हुए कलाकार हैं कि वे बहुत साधारण रोल में भी, धोती कुर्ता में भी, गमछा में भी, झोला में भी, हाँ, वे अच्छा से अच्छा अभिनय कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमसे प्रश्न करते थे उनके उच्चारण को लेकर कि संस्कृत के शब्द हैं, इन्हें बोलना होगा, कैसे बोलेंगे, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं पकड़ में नहीं आते और बोलते हैं और सही बोलते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करती है और लोगों को भी, वह बनारस की तस्वीर, घाटों का दृश्य, गंगा पार का दृश्य, नाव पर बैठने, नाव के जाने गुजरने का दृश्य, पप्पू की दुकान का दृश्य, यानी बनारस से संबंधित जो भी दृश्य है, विजय अरोड़ा ने अद्भुत काम किया है। वह देखने वालों की आंखों से उतरता नहीं है नशा उसका। तो इस तरह सब मिला के ये मुझे तो हो सकता है अपनी कृति है इसलिए ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कल 250 लोगों ने देखा और लगभग सबकी प्रतिक्रिया थी कि इस तरह की फिल्म हिंदी में बननी चाहिए और साहित्य को आधार बना के भी फिल्म बनाई जा सकती है। इसका उदाहरण है मोहल्ला 80।